आज की इस वीडियो में हम डीडी फ्रिडिश के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि इस ई ऑक्शन में क्या हमारे लिए देखे जाने वाले चैनल्स को मौका मिलेगा या नहीं। वैसे डीडी फ्रिडिश तो हमेशा से मौका देता ही रहता है, लेकिन ये चैनल के ऊपर निर्भर करता है कि वो आना चाहता है या नहीं। हम सभी तो सिर्फ एक उम्मीद लगा सकते हैं, एक आशा जो है वो बना सकते हैं कि भाई ये चैनल हमारे लिए आ जाना चाहिए, लेकिन वो आएगा कि नहीं आएगा वो टोटली वो ब्रॉडकास्टर पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और ये जो हमारे लिए अभी हाल ही में 66 ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, तो वो बेसिकली MPG4 के लिए हुई है। तो उसमें हम जो है कुछ बड़े चैनल्स की उम्मीद ना लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि इस 66 ई ऑक्शन में कुछ बड़े चैनल्स भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि MPG4 की जो मांग है वो ज्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई बड़ा चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम न्यू चैनल्स की बात करते हैं या जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं उन चैनल्स की बात करते हैं, तो वो एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं। उसके अलावा एक या दो या तीन चैनल्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी जगह पर, यानी दो से तीन चैनलों की जगह पर हो सकता है कि कोई नया चैनल मौका ले ले, लेकिन ये नहीं है कि उसमें कोई बड़ा चैनल आपके लिए पार्टिसिपेट करने वाला है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर बड़े चैनल की आपको उम्मीद है तो वो सिर्फ आपको MPG2 से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो MPG2 में ही हिस्सा लेंगे, इसके अलावा वह नहीं लेने वाले। अब बात आती है आपके देखे जाने वाले चैनल्स की, तो जी अनमोल है, स्टार उत्सव है, सोनी पल है और कलर्स रिश्ते है। सोनी पल और कलर्स रिश्ते ने भाग लिया था, 1 दिसंबर को लॉन्च होने की बात भी उठी थी, आप सभी जानते हैं इस बारे में, मैं भी जानता हूं, आप सभी जानते हैं, और वो चैनल लॉन्च नहीं हुए। उसका रीजन आप भी सब भी जानते हैं कि चैनल नंबरों की समस्या हुई, उसके बाद ब्रॉडकास्टरों ने आने से ही इनकार कर दिया। तो ये जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कुछ ऐसा ही आपके लिए आग में चोली का जो है रास्ता खोले बैठे हैं, ये आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा। अगर इस आने वाले ई ऑक्शन में ये भाग लेकर लॉन्च हो भी जाएंगे तो भी आप ये कह लीजिए कि हम ये कहें कि भाई परमानेंटली आ गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस तरह से सोचकर चलना होगा कि अगर आ भी गए तो भाई कभी भी जा सकते हैं, रातों रात ये 12 बजे के बाद गैप भी हो गया, आपको पता चलता है तो आपको हैरान नहीं होना है कि भाई चैनल सारे जो थे वो कहाँ चले गए, आपको हैरान नहीं होना है, ये आ भी सकते हैं और कभी भी जा भी सकते हैं, कि कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। हाँ, अगर आपको उनकी गारंटी और वारंटी चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, जो कि है जिंग सुपर FTA बॉक्स का। बहुत से लोग जो है इस बॉक्स का फायदा उठा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि डीडी फ्रिडिश के मुकाबले बहुत ज्यादा चैनल आते हैं इसमें, और हर एक स्टेट के लिए ज्यादा चैनल्स अवेलेबल हैं, पंजाब के लिए ज्यादा चैनल्स हैं, हरियाणा के लिए, गुजरात के लिए, और आपका राजस्थान के लिए, हर एक रीजन के लिए जो चैनल्स हैं वो उसमें ज्यादा मिलेंगे आपको। इवन साउथ इंडियन चैनल्स भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, जबकि डीडी फ्रिडिश पे तो आते ही नहीं है ना। तो ये आपकी एक बेटर चॉइस हो सकता है, 2 ईयर्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है इसमें, और जी अनमोल, स्टार उत्सव, सोनी पल और कलर्स रिश्ते ये परमानेंटली अवेलेबल है, फ्री में आपको मिलते हैं इस बॉक्स में, कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये बॉक्स चाहिए अपने ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप रहते हैं, तो हमारी ओर से ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों लिंक्स दिए हैं। अगर आपको एक नॉर्मल बॉक्स चाहिए जिसमें आपको नॉर्मल CRT टीवी में चलाना हो, नॉर्मल मॉडल भी अवेलेबल है, और आपको इसका HD बॉक्स चाहिए तो HD बॉक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, दोनों ही आप ऑप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हो। सामने आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, इस पर आप हमसे बात भी कर सकते हो और अपना ऑर्डर भी प्लेस करवा सकते हो। बाकी जीएन मोस्टार उत्सव की बात करें तो इस ई ऑक्शन में वो भाग लेने वाले हैं नहीं, वो तो हमें तब पता चलेगा जब 67 ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि अभी तक 67 ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। उसका रीजन यही है कि MPG4 में जो है बहुत से स्लॉट्स आते हैं और जाते हैं, आंख में चोली करते हैं, इसी रीजन से डीडी फ्रिडिश ने सबसे पहले MPG4 को आगे रखा है, ना कि MPG2 को, क्योंकि MPG2 की तो बोली बहुत ज्यादा बड़ी रकम की होती है, दूसरी बात है स्लॉट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, उसमें काफी समय देना पड़ेगा, तीसरी बात है उसमें अगर कुछ चैनल अच्छा खासा आ भी जाता है तो वो जल्दी विड्रॉ नहीं करता है। हाँ, जल्दी विड्रॉ नहीं करता है, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं करता, लेकिन हाँ जल्दी विड्रॉ नहीं करता है। अगर उसने एक बार हिस्सा लिया है तो सोच समझ कर ही हिस्सा लेता है, तो डीडी फ्रिडिश को ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन MPG4 में बिल्कुल उलट है, यहाँ पर तो रकम बहुत कम लगती है चैनल में हिस्सा लेने के लिए, 50 लाख रुपए साल का है, बहुत कम है। तो अगर हमारा भी चैनल होता तो मैं भी डेफिनेटली 50 लाख रुपए देकर इस डीडी फ्रिडिश में जो है अपने चैनल को पार्टिसिपेट करवाता, क्योंकि 50 लाख रुपए एक साल का जो है चार्ज बहुत कम है डीडी फ्रिडिश में जुड़ने के लिए, वो भी MPG4 में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन चैनल्स के लिए जो कि अभी स्टार्टअप में है, अभी कुछ इनिशियली स्टेज पर लॉन्च हुए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसीलिए डीडी फ्रिडिश जो है इसमें थोड़ा ज्यादा समय दे रहा है और पहले ही ऑप्शन कर रहा है 66 में, क्योंकि इसमें जो है बहुत चैनल्स आते हैं और जल्दी से विड्रॉ भी कर लेते हैं, और यही रीजन है। बाकी इसके अलावा कमेंट में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आप जीएन मोस्टर की बात करते हैं तो उसके लिए आपको 67 ई ऑप्शन का कुछ वक्त और इंतजार करना होगा। नमस्कार।